मेज कुर्सी किसके पढ़ने के लिए लग रही है आप? बहुत अच्छे बिहारी, आज हम यहाँ पढ़ाई करेंगे। बैठो। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे जानते हो? ये क्या है? गमला। बिहारी ये पूरा क्या है? गमले में पौधा। पौधा। अब ये क्या है? पत्ती। तो पेड़ पौधों की पत्तियां सूरज की धूप को अपनी ओर खींचती, समझे? तो बिहारी पेड़ पौधों की पत्तियां सूरज की धूप को अपनी ओर खींचते हैं और इसी रासायनिक प्रक्रिया से पत्तियां हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, समझे? अब पत्तियों के अंदर क्या होता है? पत्तियों के अंदर जल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बिहारी? तुम नहीं समझे? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वही वही जो आप बोले। तो इसी पूरी प्रक्रिया से पेड़ अपना खाना बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, समझे ना बिहारी? जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। कितनी मेहनत कर रहे पति बाबू मेरे लिए, और मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं मेरे श्राप से उनके जीवन पे कोई खतरा ना आए। इसी प्रक्रिया को हम बिहारी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मालिक, छोटी मालकिन ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब क्या करेंगे आप? कैसे पढ़ाएंगे उनको? और प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले 1772 में सर स्टीफन हेल्फ ने बताया था। और इसी प्रक्रिया से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है बिहारी, उसे प्रोटीन और विटामिन बनते हैं, जो हम जैसे मनुष्य और पक्षियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, समझे बिहारी? लगता है पति बाबू निराश होके चले गए। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे बिहारी। अगला पाठ है ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन। सुनाई दे रहा है ना बिहारी? मैं ये सब नहीं सुन सकती, वरना मेरा श्राप वापस आ जाएगा। पत्तियों के अंदर जल यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बिहारी? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में माफ करना दुखा माँ, आज इस सिद्धी लड़की की अड़ियलपन की वजह से हमारी पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रहे। हेलो। तो इसी पूरी प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, समझे ना बिहारी? जिसे हम शोर की वजह से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है। वैसे तो घर में सब परेशान है बोंदिता से, तो क्या अब आप भी बोंदिता से परेशान हो? गलत। मेरी और इस घर में सबकी परेशानी तब से शुरू हुई है जब से तुम आई हो इस घर में। अब हम पढ़ेंगे बिहारी
भौतिक राशि और उनके मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। बिहारी, हमारे घर की एक छोटी सी लड़की है ना, चुलबुली सी, बहुत सारे तर्क करने वाली, प्रश्न पूछने वाली, उसकी लंबाई होगी लगभग 1 मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड्स। और संपूर्ण मां, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, पूरा घर परेशान है, पर बोंधिता को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ेगा संपूर्ण मां, आप देखिएगा, हम सबकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। फिर से बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली, ढेर सारे तर्क करने वाली, पूरे रॉय चौधरी हवेली में खुशियां बिखेरने वाली बोंधिता वापस आएगी। कॉफी के लिए धन्यवाद। तो हाँ, इसके बाद तप, यानी कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी, उसे जानने के लिए हम केल्विन मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई की इकाई मीटर होती है और बिजली की इकाई वाट होती है। मैं जानता था कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। मैं जो जो बोल रहा हूँ बोंधिता के दिमाग में वो सब बैठ रहा है। इसका मतलब बोंधिता परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, है ना? कल की परीक्षा में नहीं बैठूंगी मैं। बोंधिता ने तो पूरी तरह से तैयारी की है, लेकिन अगर परीक्षा ही ना दे तो पूरी तैयारी, सारी मेहनत, सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी। क्या करूं मैं? बिहारी, गाड़ी निकलवाओ। कहीं जा रहे हो अनिरुद्ध? हाँ बाबा, बोंधिता की माँ जी को लाने जा रहा। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि बोंधिता को आखिर परेशानी क्या हो रही है। उनका आना बहुत जरूरी है। और अनिरुद्ध, वो तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है ना? गई थी बाबा, काफी दिन हो गए, अब तक तो वापस आ चुकी हुई ना। अगर बोंधिता ने परीक्षा नहीं दी तो पूरा साल खराब हो जाएगा, इसीलिए सुमति माँ का परीक्षाओं से पहले आना बहुत जरूरी है। अनिल बाबू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं चाहता हूँ ना, क्यों? बोंधिता के मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन रात तक वापस आ जाइएगा। हाँ, मैं यूं गया। सुमति माँ को लेकर हाँ जाइए। मालिक, विश्वास है आपको? छोटी मालकिन परीक्षा देने जाएंगी कल? जरूर जाएगी बिहारी, बस सुमति माँ आ जाए। एक बार सुमति माँ आ जाएंगी तो बोंधिता अपनी परेशानी उन्हें खुलकर बता पाएगी। मामा, मामा, सुमति माँ कहाँ? बोंधिता के कमरे में है ना? सुमति बहन तीर्थ से लौटी नहीं अभी तक, और जो लोग लौटे हैं वो तो ये बता रहे थे कि वो अभी 6 महीने और रुकेगी वहां। बहुत कड़ा तप कर रही है बेचारी। बोंधिता के मन की गांठ खोलने की आखिरी उम्मीद थी सुमति माँ। अगर कल बोंधिता परीक्षा नहीं दे पाई और उसका उसका पूरा साल खराब हो गया तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं तुम यही हो बोंधिता, और अगर सुन सकती हो तो सुन लो, कल तुम्हारी परीक्षा है और मैं तुम्हें परीक्षा देने ले जाऊंगा। अगर तुम नहीं आई तो मेरा बड़ा मुंह देखोगी।
परीक्षा देती हूँ तो भी उनके प्राण खतरे में पड़ते हैं, और नहीं देती हूँ तो भी मेरे कारण वो अपने प्राण खतरे में डाल लेंगे। इतनी बड़ी दुविधा में हूँ मैं, अब आप भी कोई रास्ता दिखाओ दुखामा, बताओ मुझे क्या करूँ। सोची है मैंने, बताना पड़ेगा मुझे अपनी बीमारी के बारे में पति बाबू को, वरना जाने क्या कर बैठे पति बाबू। ये रोग बहुत खतरनाक है। लगता मेरी बात से गुस्सा हो गई है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का अभिशाप है तुझे, इसीलिए फिर से शाप दे दिया उन्होंने मुझे। मेरे कारण ही पति बाबू ने इतनी बड़ी बात कही है। तुम नहीं आई तो मेरा बड़ा मुंह देखोगे। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर कुछ ऐसा करना होगा कि बोंदिता कल परीक्षा देने जा ही ना पाए। शांत हो जा बोंदिता, ठीक हो जाएगा सब। हाँ तो उत्तर दे रही हो ना, शांत हो जा, क्यों रो रही है ऐसे। देख तूने भले ही पढ़ाई नहीं की, पर उस दिन तेरे पति बाबू जब पढ़ा रहे थे तूने सुना तो है ना सब। नहीं रोते ऐसे, तुझे याद है सुमति पिशी क्या कहती थी, हर सुबह होने से पहले की रात सबसे काली होती है। पर बोंदिता ये सोच कि तू मंजिल पे पहुंच ही गई है, पर किसी भी हाल में तुझे परीक्षा देने नहीं जाना है, वरना इतनी तूने मेहनत की, इतना सब कुछ किया, सब बर्बाद हो जाएगा। तू ऐसा चाहती है नहीं ना बोंदिता? मैं तो कहती हूँ तू अपने पति बाबू की शक्ल तक नहीं देखना, आसपास ही नहीं जाना उनके, समझी? ये सही होगा तेरे लिए। हाँ अच्छा, घबराओ मत, बोंदिता वही करेगी जो उसकी संपूर्णा दीदी ने उसे सिखाया है। बोंदिता परीक्षा का समय हो रहा है, जल्दी आओ।
बोनता तैयार हो गई हो ना तुम? बोनता मैं अंदर आ रहा हूँ। बोनता तुमने दरवाजा अंदर से बंद रखा है। बोनता दरवाजा खोलो, परीक्षा का समय हो रहा है। बोनता, बोनता, बोनता मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुम तब भी दरवाजा नहीं खोली तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। तुम जानती हो मैं दरवाजा तोड़ सकता हूँ। बोनता, बोनता, अगर तुम परीक्षा देने के लिए अभी मना करोगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। एक, दो, तीन। बोनता कहाँ हो तुम? कहाँ छुप? बोनता बाथरूम में हो तो बाहर आओ प्लीज। बोनता, फिर से पर्दे का कपड़ा फाड़ा है, सुई है, पढ़ाई नहीं कर रही, बाकी सब कर रही है। बोंदता, ना पति बाबू के सामने आऊंगी ना वो मेरे शराब से खतरे में पड़ेंगे, पति बाबू की सिद्ध पूरी होगी। यहाँ तो कील चुभ रही है मुझे, बहुत दर्द कर रहा है। मैं बाहर जाती हूँ। बोंदता, बोंदता, मैं निकलूंगी यहाँ से, सहूंगी सारा दर्द, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बोंदता, कहाँ चली गई बोंदता? ये कोई तरीका है क्या अपनी जिद मनवाने का? बोंदता, बोंदता, की लिखावट मां श्राप। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv।